नमस्कार दोस्तों, मैं एकता स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल गार्डन फॉरएवर पर। दोस्तों, आज मैं आपसे इस बेहद ही खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट पर बात करूँगी। इसे रेन लिली का प्लांट कहते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और दोस्तों ये बहुत से रंगों में भी आता है, जैसे वाइट कलर में भी मिलता है, ये पिंक में भी आता है और आप देख रहे हैं ये सबसे खूबसूरत फ्लावर येलो कलर में लगता है। बहुत ही आसानी से इसको आप लगा सकते हैं दोस्तों, और बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट है ये। ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और इसका नाम रेन लिली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्मी में जैसे ही अगर कभी भी बिना मौसम अगर गर्मी में थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो इस प्लांट में फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। ये जो प्लांट है थोड़ी सी बारिश में भी फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है, इसीलिए इसे रेन लिली प्लांट कहते हैं। बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत ही आसानी से चलता है और आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं या फिर आप ऐसे गमले में भी लगा सकते हैं जिसमें एक अदर प्लांट लगा हो और आप इसे नीचे नीचे उस प्लांट में लगा दें तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके जो फ्लावर हैं दोस्तों सिर्फ एक ही दिन के लिए खिलते हैं, शाम होते होते तक इसके जो फ्लावर हैं वो मुरझा जाते हैं और टूट कर गिर भी जाते हैं। तो आप देखिए ये कितने खूबसूरत लगते हैं इस तरह से खिले हुए, और येलो जो कलर है इसका ये तो बहुत ही प्यारा लगता है, इसमें एक अलग ही चमक होती है। दोस्तों हम बात करें इसमें वाटरिंग की, तो ये जो प्लांट है इसमें आपको डेली वाटरिंग करना है। यदि ये प्लांट बारिश में हो, बारिश गिरती है तब तो इसे पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बारिश में भी यदि जिस दिन बारिश नहीं हो रही हो तब भी आप इसमें पानी दें, ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाए या हम ये कहें कि विंटर में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है तब भी इसमें आपको डेली वाटरिंग करना है। दोस्तों इस प्लांट को ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, 2 से 5 घंटे की यदि सनलाइट हम इसे दें तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, और जो दोपहर की धूप होती है उससे आपको इस प्लांट को बचाना ही नहीं, तो जो इसकी पत्तियाँ होती है उसमें सनलाइट के कारण वो पत्तियाँ जो हैं वो धीरे धीरे ड्राई होने लगती हैं, तो आपको इसे शेडी एरिया में रखना है। बहुत ही आसानी से लगने वाला ये प्लांट है दोस्तों, बहुत अच्छे से चलता है। सो इस गमले में आप देखिए इसके जो कुछ बल्ब थे वो मैंने निकाल कर अलग अलग पॉट में लगाए हैं, तो आप देखिए इनमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों येलो कलर जो है इसी में सिर्फ सीड बनते हैं, लेकिन जो पिंक कलर है उसमें सीड नहीं बनते हैं, तो आप ये देखिए कुछ इस तरह से इसके सीड्स होते हैं जो फ्लावर के ड्राई होने के बाद इस तरह से बनते हैं, और आप इन्हें सीड को लगाते हैं तो ये सीड भी बहुत ही आसानी से जर्मिनेट होकर और वो भी धीरे धीरे बल्ब में चेंज होते हैं। इनके जो बल्ब हैं वो आप जितना बड़ा बल्ब लेंगे उतनी जल्दी और उतने ज़्यादा आपको फ्लावर मिलेंगे, बहुत ही आसानी से लगता है। आप इसे सीड से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं और आप इसे बल्ब से भी लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाता है और बेहद ही खूबसूरत लगते हैं ये फ्लावर। तो अब देखिए एक ही पॉट में बहुत से सीड्स होते हैं। अब दोस्तों देखिए आप ये कुछ ही दिनों में इनमें और ज़्यादा कलियाँ भी आने लगी है और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब ये इसमें फ्लावरिंग होती है। कुछ इस तरह से फ्लावर के ड्राई होने के बाद ये सीड पॉट इस तरह से बनती है। अब देखिए जहाँ जहाँ भी फ्लावर खिला हुआ था वहाँ वहाँ इस तरह से ये सीड पॉट बनी हुई है। दोस्तों यदि आप ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको इन प्लांट के खिलने के बाद पूरा वो स्टॉक आपको वहाँ से हटा देना है, और यदि आप सीड चाहते हैं तो आपको फ्लावर को तोड़ना नहीं है, उसमें लगे रहने दें तो वो फ्लावर जो है वो ड्राई होने के बाद धीरे धीरे उसमें बनने लगेंगे। अब दोस्तों देखिए आप ये सीड यहाँ कुछ ड्राई होकर गिरे हुए थे तो वहाँ पे वो 2 से 3 दिनों में ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका है। ओनली 2 सीड्स हैं लेकिन आप देखिए बहुत ही जल्दी इनमें जर्मिनेशन भी शुरू हो जाता है। दोस्तों अब आप इसे किसी भी तरह की सॉइल में लगा सकते हैं। अब ये देखिए ये छोटे से एक और पॉट में लगाएं, इसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग शुरू होने वाली है। तो दोस्तों आप इसे किसी भी तरह की सॉइल में लगा सकते हैं, गार्डन की सॉइल में भी लगा लें, और हम जो पॉटिंग मिक्स बनाते हैं आप उसमें भी इसे बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों आप इसकी जो हम क्यारियाँ बनाते हैं उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। ये ज़मीन में यदि हमने इसकी क्यारी बना के लगाई हो तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्यारियों में बीच बीच में लगा हुआ ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। और दोस्तों ये जो प्लांट है इसको फ्लावरिंग करने के लिए फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, तो आप इसमें बोन मील दें और जो पोटैटो पील्स हैं उसका फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, और बनाना पील्स फर्टिलाइज़र भी आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है।
दोस्तों आप देखिए, ये मैंने कुछ प्लांट्स इसके अलग किए थे, तो आप आपको बताऊं कि ये देखो इस तरह से आप इसके बल्ब होते हैं, जो ऑनियन होता है बिल्कुल उसी की तरह से होते हैं, और जितना बड़ा आप इसका बल्ब लेंगे उतनी आसानी से उसमें बहुत ही जल्दी से और ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग होगी। इसको जब हम सीड से लगाते हैं तो सीड जो हैं वो धीरे धीरे इन बल्बों में चेंज हो जाते हैं। दोस्तों मार्केट में इजीली इसके बल्ब जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। यदि आप सीड नहीं लगाना चाहते हैं, जल्दी फ्लावरिंग चाहिए आपको, तो आप इसे डायरेक्ट बल्ब से लगाएंगे तो आपको बहुत जल्दी फ्लावरिंग इस प्लांट से मिलने लगेगी। जो पिंक रेन लिली होती है उसमें सीड्स नहीं होते हैं। तो दोस्तों आप इस प्लांट को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, और जब ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है तब आप इसमें रेगुलरली वाटरिंग करेंगे तो भी आप इस प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा रेगुलर वाटरिंग करने से। तो आप इसमें डेली पानी दें, पानी की कमी से ये प्लांट जो है वो धीरे धीरे ख़राब होगा, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जो सॉइल है वो फुल ड्रेनेज वाली होनी चाहिए। आप इसको किसी भी तरह के पॉट में लगा सकते हैं, पॉट छोटा होगा या बड़ा होगा तो भी आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि जो इसकी रूट्स होती है वो ज़्यादा ग्रो नहीं करती है, कम ग्रो करेगी, लेकिन ये फ्लावर बहुत अच्छे से देता है ये प्लांट। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है, बहुत ही हार्डी है, आप इसको आसानी से किसी भी समय पर लगा सकते हैं। वैसे तो इसे मार्च में लगाना चाहिए, लेकिन आप इसे किसी भी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं, ये बहुत आसानी से लग जाता है। तो इसे एसिडिक सॉइल पसंद होती है, जितनी ज़्यादा सॉइल एसिडिक होगी उतने अच्छे से इस प्लांट में फ्लावरिंग होती है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये फ्लावर। तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।